वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अपना आदेश टाल दिया है। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने कहा कि इस मामले में हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष का प्रतिउत्तर सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुना सकता है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। उस दिन अदालत पहले मुस्लिम पक्ष को सुनेगी, इसके बाद ही अदालत का आदेश आ सकता है। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ राग भोग आरती करने की मांग लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुदता त्रिपाठी की अदालत में दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई टल गई। इस कोर्ट के भी पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण ही सुनवाई नहीं हुई। इस मामले के लिए अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। वहीं शुक्रवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में अविमुक्तेश्वर भगवान आदि की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टल गई। इस मामले में भी 28 अक्टूबर की तिथि नियत की है। दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व खजूरी निवासी अजीत सिंह ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसमें अविमुक्तेश्वर भगवान के पूजा पाठ राग भोग भजन कीर्तन व धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन की अनुमति की मांग की गई है।